तो गाइस ये देखिए यहाँ से वैली बहुत मजेदार और सनसेट पूरा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब आप लोग। तो यार आज की हमारी फ्लाइट है यार रत्नाडी की। आज देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं किट में हूँ तो मैं घर से किट पहन के निकल गया यार। मैंने कहा यार गर्मियाँ चली है, कहाँ बाहर से कुछ पहनना, और गर्मियाँ बहुत जोरों से चली है। तो यार आज जा रहे हैं रत्नाडी खेलने, कप्पड़ बॉल टूर्नामेंट है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। तो वहाँ पे एक बात को मीना बाग कहते हैं वहाँ को, तो वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जी भी आए थे लॉकडाउन में अपनी छुट्टियाँ मनाने, तो उस ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं हम आज। अच्छा ग्राउंड है, बहुत प्यारा ग्राउंड है और गाँव के बीच में। तो फिलहाल चलते हैं, फिलहाल मैं निकला हूँ घर से अभी, तो रोड पे हूँ मैं भी, चल रहा हूँ। तो बाकी फिलहाल मिलते हैं आगे। तो गाइस तो यार हम निकल चुके हैं, हम पहुंचे देवरी घाट इस टाइम, और अपने साथ पूरे टीम मेंबर्स आगे पीछे, साहिल भाई, आशु भाई, चड्डा भाई, दशरथ भाई। अभी हमारी कुछ पुराने मैचों को लेकर बातें चली है। चेयर्स चेयर्स, बियर नहीं दिखानी, प्रायोरिटी बियर नहीं दिखानी, बियर अंदर रखो, मिक्स करा इसमें कुछ तो है, चश्मे लगे हुए, चड्डा जी ने मिक्स किया है। इसके चार बंदे ऐसे खड़े हैं, आगे देखिए फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, फ्रंट कैमरा ऑन है, आपकी चार सवारी है, ये सपोर्टर्स हैं, ये हमारे लिए दुआएं करते हैं हमेशा ये कि अच्छा खेले, अच्छा जाए। ये हमारी टीम का रूल है, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, सही बात है ये, उसलिए है। और बीच में है मिस्टर चड्डा जी जो कुछ करते हैं सोए रहते हैं, जो कैफिन पे रहते हैं। तो अभी हम देवरी घाट पहुंचे हैं और यहाँ नीचे भी एक टूर्नामेंट चला हुआ है कप्पड़ बॉल का, आज हम कप्पड़ बॉल खेलने जा रहे हैं। गाइस ये देखिए आप देवरी घाट का मेन पॉइंट, छोटे छोटे देवदार के पेड़ बहुत प्यारे लग रहे हैं, लगा के किए हुए फॉरेस्ट वालों ने, और बहुत ही मजेदार व्यू इधर का। और ये अपना स्विट्जरलैंड है, नावरी स्विट्जरलैंड कहते हैं इसे, अपने इलाके का बहुत प्यारा एरिया है, कोई घूमने आ सकता है इधर, बहुत मस्त जगह है। वापसी में दिखाएंगे एक व्यू थोड़ा बाहर उतर के, यहाँ का पहुंच चुके हैं ग्राउंड, और यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया दियार का जंगल, और हम अभी ग्राउंड ले जा रहे हैं गाड़ी नीचे, क्योंकि बहुत एक अच्छा रोड है नीचे को यार, वापसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीछे से अपने भूषण भाई की गाड़ी भी आ गई है, दूसरी गाड़ी, बाकी टीम मेंबर्स। तो गाइस जब हम यहाँ तक आए हैं तो हम गाड़ी नीचे ही ले जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं, हमने गाड़ी नीचे लाई, ऐसे कच्चे रोड है, बहुत ही कच्चा रोड। और ये देखिए आप यहाँ पर, ये है ग्राउंड, बहुत ही प्यारा मज़ेदार। तो इधर ये बाउंड्री है चारों चार, यहाँ पर पार्क और जालियाँ पड़ी, और बहुत ही प्यारा ग्राउंड है। क्या बोल रहे टीम मेंबर्स हमारे, और यार यहीं पे मीना बाग एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे धोनी आए थे बहुत टाइम पहले लॉकडाउन में। ये देखिए यहाँ से मैच चला हुआ है, पॉइंट पे खड़े हम यहाँ से देख रहे हैं मैच जाली के अंदर से। भावेश राठौर, कहीं भी हम मैच खेलने जाते हैं आउटिंग पे तो ये फोन निकाल लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, आशु भाई, आशु भाई आप बोल लो, मेरी जगह आप अलग ब्लॉग बनाते हैं, मेरी जगह कंट्री स्कूल का कुल योग है 65 रन। लंबे कद के हैं, देख सकते हैं और बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है रनों के लिए, और पारी के साथ ही रनों का लक्ष्य रखा है। देखना होगा यहाँ पर शरीर से जहाँ टकराई है, थोड़ा सा अतिरिक्त वहां पर उछाल मिला, मुंह से टकराई है, मुंह में गेंद लगी है। इस बार आगे निकल कर उठा कर खेल दिया उसे, लंबा पीछे तो मैं गेंद पार्टी लाइन के बाद फिर नकली आउट मार चुके हैं। इस बार फिर से आगे निकल कर उठा कर खेल दिया उसे, एक और बार गेंद पार्टी लाइन के बाद लंबा पीछे तो मैं इस बार लेकिन कोई सामना करेंगे, अखिल जी देख रहा, इस बार अगर
सीधा बंदे से चलाइए शॉट। इस बार अगर नहीं है तो डाकर के अंदर जिला मंदिर क्षेत्र में भाई भाई पूरा पैसा भी चीन सकते भाई। यार पहला मैच हम जीत गए यार, तो यार काफ़ी अच्छा मैच रहा और बॉल लगी यार मेरे यहाँ पे, देख सकते कट जैसा भी लगा हुआ थोड़ा, बहुत तेज बॉल लगी यार, वो अनी बनी आ गया। सूर्य पांडे का फिर बॉलिंग की मैडन, और एक बल्कि आज डाल नहीं रहा था बॉलिंग, मतलब मैं बॉलिंग नहीं डालूंगा, फिर भी इसने वो बॉलिंग डाली तो बहुत अच्छा, मैडन ओवर मैडन विकेट, और मेरे को लगता है 12 बॉल लगभग 12-13 रन लगे सूर्य पांडे को, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग बॉलिंग। और बस यार एक बॉल लगी यहाँ, देखे ना निशान पड़ गया बॉल का, स्वेलिंग होगी इस साइड, तो चलो कोई नहीं, अब इसके बाद एक और मैच है, खाना खाते, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं बाकी। यार खाना खा लिया है, थोड़े फ्रेश भी हो गए हैं, रेस्ट भी कर लिया है, तो यार फिलहाल अभी चला हुआ है यहाँ पर मैच, और इसके बाद है हमारा दूसरा मैच, तो वो भी दिखा देंगे कैसा रहेगा। तो मैच अभी हमारा सेकंड मैच और लास्ट मैच होगा आज का, तो ये देखिए अभी चला हुआ है ये मैच, इसके बाद हमारा मैच है, तो ये मैच थोड़ा ही रह गया है, 57 रन ही बनाया है, चेज़ 57 रन कर रहे हैं। तो ये रही अपनी गाड़ी, तो अब फ़ोन वगैरह रखते हैं गाड़ी में और अब चलते हैं मैच खेलने। बल्लेबाजों को लेकिन उतनी आगे डाला गया, कब तो कैच लपक लिया, एक और विकेट का पत्थर यहाँ पे बल नहीं लाओ नारकंडा का। अच्छी गेंदबाजी करी और लाइट एक बार फिर जा चुकी है, लक्की भाई आपको रेस्ट मिल गया है, बॉल हवा में कैच हो सकता है लेकिन नहीं, चार रनों से खाता खोला यहाँ पर टीम कुप्पड़ वाली चिली ने। और काफी तेज बारिश भी तेज हो रही है जी। हाँ मैं राहुल चौहान से अनुरोध करूंगा कि कैमरा बचा के रखे। जाने दिया उसे मिस्टर साहिल चौहान जी ने, लेकिन कीपरिंग साधारण सी, देख सकते हैं शॉट ऑफ लेंथ गेंद फ्लिक कर दिया इसे, जब तक बाउंड्री मिलती चार रन। काफी तेज गेंद आई है शुभम जी, बल्कि सिंगल डबल से भी जीता जाता है, लेकिन बॉन्डे का नाम लिया और बाउंड्री लग चुकी है, तो भाई हम मैच जीत गए, दूसरा मैच ही, बारिश हुई हल्की और बारिश रुकने के बाद हमने 2-3 ओवर मैच खत्म कर लिया, स्कोर कुछ खास था नहीं, तो मैच हम जीत गए बढ़िया से, वेल प्लेड सारे, बढ़िया खेले, अनएक्सपेक्टेड तो सूर्य भान का था जो इसने बॉलिंग करी। और फिलहाल चले हम यार यहाँ से वापस, बहुत प्यारा जंगल है भाई, बहुत घना जंगल है, देखे देवदार का जंगल, फुल घना जंगल होते हैं, इसको मज़ा आ रहा है इधर गाड़ी चलाने में भी, और चले हम घर की ओर, तो बाकी मिलते हैं आगे। गाइस ये देखिए आप यहाँ से रतनाड़ी वैली, यहाँ पे हम खेलने आए थे, बहुत प्यारा है वैली, यहाँ से नज़ारा यार, और सनसेट हो रहा है ऊपर, मज़ेदार वैली। और गाइस ये रही हमारी गाड़ी, यहाँ पे हम थोड़े उतरे थे बाहर, यहाँ से मैं कहा आपको वैली दिखाते और सनसेट देखिए भाई क्या प्यारा नज़ारा, यहाँ पार्क करना चाहते पर यहाँ लस्सा। तो गाइस ये देखिए यहाँ से वैली बहुत मज़ेदार, और सनसेट पूरी तरह से हो चुका है, और साहिल भाई ने एक बात कही ना, गाइस अभी हम उमरा द्वार में और हम खा रहे हैं यहाँ पर समोसे, और ये देखिए स्नो व्यू होटल उमरा द्वार, और यार
भूषण भाई थोड़े जल्दी चले कि हम चाय बनवा रहे हैं यहाँ पे। जो चाय का मजा समोसे के साथ, जो समोसे का मजा चाय के साथ होता है ना, वो भूषण भाई नहीं ले पाए। तो